हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं शशि आज आपके लिए लेके आई हूँ। ये लजीज मटन कोरमा बनाया है मैंने आज, और इसमें क्या क्या सामग्री पड़ी है और कैसे ये बनाया है मैंने मटन कोरमा, आपको ये मैं बताती हूँ। आइए और आप इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मटन कोरमा की खासियत होनी चाहिए कि ये गलना ज़रूरी है। मटन सबसे खाने में तभी अच्छा लगता है कि ये जब अच्छी तरह से गला हुआ हो। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में, और मैं शशि आज आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए बना के लेके आई हूँ मटन कोरमा, ये बड़ा स्वादिष्ट और लजीज बना हुआ है, और आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। इसकी खासियत होती है कि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और सबसे पहले हम देखेंगे गला है कि नहीं गला है। मटन हमेशा सबसे पहले गलना अच्छा ज़रूरी होता है। ये देखिए, देखते हैं हम ये मटन गला है कि नहीं गला है। वाह, बड़े सॉफ्ट तरीके से गला हुआ है, देखिए बड़ा इजीली से ये निकल गया है। इससे देखिए बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अच्छा गला हुआ है, और इसकी खासियत ये है कि गलना ज़रूरी है मटन को। और ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी, इसमें क्या क्या सामग्री पड़ी है, आइए मैं दिखाती हूँ आपको। मटन कोरमा बनाने के लिए ये देखिए हमारे पास सामग्री है। ये 1 kg मटन जो हमने साफ करके धो करके रख लिया है, और इसमें क्या क्या सामग्री और पड़ेगी ये देखिए, ये मैं दिखाती हूँ। ये हमारे मेन, इसमें ये प्याज, ये 4-6 काजू जो मैंने भिगा के रखे हुए हैं, और ये सूखा नारियल पाउडर है। ये बाजार में ऐसे मिल जाता है, ये नारियल कसा हुआ नहीं है बिल्कुल, ये बाजार में अलग ही पाउडर मिल जाता है नारियल का। और ये दही, इसे हम अभी अच्छे से फेंटेंगे। सबसे पहले हम कोरमा बनाने के लिए मेन चीज़ होता है ये प्याज तलना, पहले हम सबसे पहले प्याज तलेंगे। इसमें सबसे पहले हम इन प्याजों को बड़े बर्तन में लेके देखें, इसका ऐसे नीच लेंगे अच्छे से बारीक करके। ये अलग अलग इसमें ये प्याज भी हमने धो करके साफ करके रखे हुए हैं काट करके, और ये बारीक से देखिए अलग अलग हो गए सारे। अब हम इनको तल देंगे। कोरमा की खासियत ये है कि इसमें ये सबसे पहले ये हमें ये प्याज ही हमें तलने पड़ते हैं। ये तेल गरम हो गया हमारा, हम इसे तलेंगे। और इनको ब्राउन होने तक तलना है मैंने। ये हमारे प्याज भुन चुके हैं, अब हम इनको निकाल देंगे। ये देखिए और प्याज हम ऐसे हम सारे प्याजों को भून के निकाल देंगे। देखिए सारी प्याज हमारी भून चुकी है, अच्छे से तल चुकी है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और तब मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, और तब तक आगे अब कैसे इसकी ग्रेवी बनानी, कैसे मटन बनाना है मैं बताती हूँ आपको आगे। अब मैं बनाऊंगी कुकर में मटन को, हम फ्राई करेंगे। कई लोग घी डालते हैं मगर हमें घी पसंद नहीं है मुझे मटन में, तो इसलिए हम इसमें सरसों ऑयल ही डालेंगे कुकर में। ये मैंने वही ऑयल डाला है जो अभी जिसमें प्याज फ्राई करे थे। डालेंगे हम इसमें दालचीनी, तेज पत्ता, और ये बड़ी इलायची, 2 लौंग, चक्करफूल, और ये हरी इलायची 4-5, और अब डालेंगे हम इसमें ये मटन। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये
जब तक हम इसे थोड़ा ढक करके पका लेंगे, जब तक मटन उसमें भुन रहा तब तक हम इसमें दही में, ये फैटी हुई दही में हम मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले ये हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच और ये 1 चम्मच कलर मिर्च पाउडर, इनको सब हम मिला देंगे आपस में। ये भुन चुका हमारा, अब हम इसमें डालेंगे दही में मसाले फेंटे हुए, ये मसाले हम इसमें डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छे से। जब तक इसमें ये रोस्ट हो रहा है, जब तक ये पक रहा है इसमें, तब तक हम ये प्याज की ग्रेवी बना लेते हैं। ये देखिए मिक्सर में, ये देखिए बड़े अच्छे से हो रहे हैं, क्रेप्सी हो गए हमारे ये प्याज। और इसी में हम ये 4 से 6 काजू पीस देंगे इसको मिक्सर। ये देखिए दही इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई, दही मसाले अच्छे से मेल्ट हो गए हमारे इसमें। और अब डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें पहले ये मीट मसाला और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हमने डाल दिया। और अब डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया और इधर हमने ये प्याज पीस के बिल्कुल देखिए रेडी कर लिए, बड़े अच्छे कलरफुल हो गए ये। इसे अभी हम थोड़ी देर में डालेंगे, थोड़े से पकने देंगे ढक करके 5 मिनट। सॉरी, ये नारियल का बुरादा हमें दही में मिलाना था, मैं भूल गई, फिलहाल मैं ऐसे डाल दूंगी ये नारियल का बुरादा इसके ऊपर। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे प्याज का मिक्सर सारा, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिला लिया, अब हम इसमें पानी डालेंगे जितना हमें जरूरत होगी और इसमें मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी। कई लोग कढ़ाई में बनाते हैं मगर मैं इसे कढ़ाई में नहीं, इसे अच्छा से गलाना है तो कुकर में ही पकाना पड़ेगा। 3 से 4 सीटी लगाऊंगी, पहले इसमें हम पानी डालेंगे। बस आधा गिलास हमने पानी डाला है, आधा पौन गिलास, ये ताकि इसे हम अच्छी तरह सीटी लगा के पका लें। अब हम इसमें अच्छे से सीटी लगा लेंगे। और 3 से 4 सीटी आने तक वेट करें। देखिए हमारा कुकर ये 5 सीटी आ गई है, ठंडा भी हो गया है, देखते हैं कैसा बना है। वाओ, बड़ा कलरफुल बना हुआ है ये मटन कोरमा। ये देखिए मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ ये गला है कि कितना गला है, गला नहीं गले है, ये हम अभी देखते हैं। मटन कोरमा जब बन जाता तो उसमें 1 चम्मच हम ये केवड़ा एसेंस डालते हैं। कोरमा की यही खासियत है कि इसमें हमें एसेंस डालना पड़ता है। और अब इसे चला लेते हैं। और आप भी ज़रूर बनाइए मटन कोरमा एक बार, और आप हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कैसा ये बना हुआ था। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।